शरद पवार ने नासिक दौरा बीच में ही छोड़ दिया है, तो आज दोपहर तक दिल्ली आ सकते हैं। एनसीपी के प्रमुख शरद पवार दिल्ली में सोनिया गांधी से वो मुलाकात कर सकते हैं। महाराष्ट्र के राजनीतिक हालात को लेकर चर्चा यहां पर संभव बताई जा रही है। तो फिलहाल जिस तरह के रस्साकशी, जिस तरह से स्थिति बेहद ही तनावपूर्ण महाराष्ट्र में चल रही है, उसको लेकर शायद यहां पर बातचीत हो और इसी को लेकर दिल्ली आ सकते हैं शरद पवार। नासिक का जो दौरा था बीच में ही छोड़ रहे हैं और दिल्ली आने की कयास यहां पर लगाए जा रहे हैं एनसीपी प्रमुख शरद पवार की, जहां पर सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात हो सकती है। और जिस तरह का घटनाक्रम, राजनीतिक हालात हो रहे हैं महाराष्ट्र में, उसको लेकर चर्चा हो सकती है। तो कई दिनों से चर्चा ये थी कि शिवसेना शायद एनसीपी और कांग्रेस का जो गठबंधन है उसका समर्थन यहां पर शिवसेना को मिल जाए, लेकिन कल हमने देखा कि कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने यहां पर बयान दिया कि विपक्ष में बैठना मंजूर है लेकिन शिवसेना के साथ जाना मंजूर नहीं। और इसी के बाद शरद पवार के साथ जो संजय राउत की मुलाकात हुई उसमें भी कयास लगने शुरू हो गए थे कि शायद एनसीपी का साथ शिवसेना को मिल जाए, लेकिन अब एनसीपी के भीतर से भी इसी तरह की सुर सुनाई दे रहे हैं कि एनसीपी ने भी ये किनारा कर लिया है शिवसेना से, कहते हुए कि वो भी विपक्ष में बैठना मंजूर करेगी, न कि शिवसेना के साथ जाना। और इसी बीच बड़ी खबर ये कि नासिक के दौरे पर शरद पवार एनसीपी के प्रमुख, लेकिन फिलहाल इस दौरे को बीच में ही छोड़ दिया गया है।